हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल। सो 24 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व लीवर दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, इंपॉर्टेंट डे है, ये आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया हाल ही में 23 अप्रैल को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अभी ये जो दिन है अंग्रेजी भाषा दिवस, ये क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को ही? तो बहुत ही फेमस राइटर थे, बहुत ही फेमस लेखक थे, जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर। क्या नाम था? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। उन्हीं की याद में उनका जन्मदिन होता है 23 अप्रैल को, तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल। अब ये जो दिन है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये दिन यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की जो स्थापना है ये 1946 में हुई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता है पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। और यूनेस्को के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है ऑड्रे एजोले। क्या नाम है? ऑड्रे एजोले। सो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन करनी है। और अप्रैल के मंथ में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए उनकी ये लिस्ट है, जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आपको @exam_tips_by_ravi लिखकर सर्च करना है। क्या लिखकर सर्च करना है? @exam_tips_by_ravi। तो आपको ये टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में मध्य प्रदेश यानी कि MP के नए गृह और स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? तो MP राज्य के जो गृह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हैं उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। ए ऑप्शन सही है, नरोत्तम मिश्रा। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है जिनका नाम है लालजी टंडन। क्या नाम है? लालजी टंडन। इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में 5 मंत्रियों की नियुक्ति की है, 5 राज्य मंत्री नियुक्त किए हैं, जिसमें से गृह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हैं नरोत्तम मिश्रा। उसके बाद जो जल संसाधन विभाग के मंत्री बने हैं उनका नाम है तुलसी सिलावट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम, तीसरा नाम आपको याद रखना है गोविंद सिंह राजपूत का। गोविंद सिंह राजपूत को हाल ही में सहकारिता एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। उसके बाद कमल पटेल है, तो कमल पटेल को हाल ही में कृषि मंत्री बनाया गया। और पांचवा नाम याद रखना है जाति कल्याण विभाग के मंत्री कौन बने हैं? तो जाति कल्याण विभाग की मंत्री बनी है मीना सिंह जी। सो 5 मिनिस्टर्स के नाम आपको नोट डाउन करने जो कि राज्य मंत्री हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको बताऊंगी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। क्या है कैपिटल? भोपाल। और CM का नाम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर मैंने बता दिया लालजी टंडन नाम है उनका। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन करनी है मध्य प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो IMMA के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, राकेश शर्मा, ठीक है। आपको बता दूं कि राकेश शर्मा जो थे ये इससे पहले बजाज ऑटो कंपनी के DG थे, डायरेक्टर जनरल। अब इन्हें IMMA का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये IMMA क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना 1947 में हुई है और IMMA का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते, तो हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बनाया गया? तो उनका नाम है PV सिंधु। ए ऑप्शन सही है, PV सिंधु हमारे भारत की बैडमिंटन प्लेयर है। और हाल ही में BWF ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है IM बैडमिंटन, उसकी एम्बेसडर बनाई गई है PV सिंधु। ये एक जागरूकता अभियान है, ठीक है, प्लेयर्स को जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अब यहाँ पर BWF के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या फुल फॉर्म है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और इसकी स्थापना 1934 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका क्वाला लुमपुर में है, मलेशिया के अंदर। और अध्यक्ष का नाम है पॉल एरिक होयर लार्सन। क्या नाम है? पॉल एरिक होयर लार्सन। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से रिलेटेड बातें।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे, या फिर इसे बोला जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये कब मनाया गया? तो ये दिन मनाया गया 23 अप्रैल को, याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए 23 अप्रैल को, इंग्लिश लैंग्वेज डे प्लस वर्ल्ड बुक डे। अब वो वर्ल्ड बुक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को? तो बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने समाज के विकास में बहुत योगदान दिया है, उनकी बुक्स ने समाज के विकास में बहुत योगदान दिया, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आपती मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक, सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में आपती मित्र एप्लीकेशन और मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये स्पेशली COVID-19 से जो लड़ रहे हैं लोग उनके लिए शुरू किया गया, ठीक है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। और हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देते हैं, हेल्पलाइन नंबर है 14410, ठीक है, कर्नाटक राज्य में ये शुरू किया गया। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये जो एप्लीकेशन और ये हेल्पलाइन नंबर है, ये जो हॉटस्पॉट एरिया है कर्नाटक के अंदर, उन्हें भी जानने में हेल्पफुल होगी। सो ये आपको याद रखना। और कर्नाटक के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन याद रखना, तो कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु, क्या कैपिटल? बेंगलुरु। सीएम है BS येदियप्पा, क्या है? BS येदियप्पा। और गवर्नर है वज्जू भाई वाला। सो ये आपको नोट डाउन करना है कर्नाटक के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीन डाइच का निधन हो गया, आपको बताने को किस वजह से फेमस थे? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, जीन डाइच, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बहुत ही फेमस कार्टून निर्देशक थे, कार्टून करेक्टर डिजाइनर भी थे और कार्टून फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है। सो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। एज थी इनकी 95 ईयर। बहुत ही फेमस एक कार्टून शो आता था, आपको पता होगा, टॉम एंड जेरी, देखा होगा आपने टॉम एंड जेरी। तो वो जो टॉम एंड जेरी सीरियल आता था, वो डिजाइनर भी उसके जीन डाइचर ही थे, निर्देशक भी थे और कार्टून फिल्म प्रोड्यूसर भी वही थे। सो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया? तो उस मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, यानी कि MHRD मिनिस्ट्री ने हाल ही में विद्यादान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। ये इसलिए शुरू किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो घर पर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और उन्हें ई स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके स्टडी के लिए, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया विद्यादान 2.0। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे MHRD मिनिस्टर का नाम। तो हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन, RBI ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है M. कामाकोदी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। M. कामाकोदी को हाल ही में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, RBI के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई, ये आपको नोट डाउन करना है। और आपको बता दूं कि इनकी दोबारा से नियुक्ति की गई है, 2011 में भी यही थे इस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए थे एक बार 2011 में, अब फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के बारे में पता चलिए, सिटी यूनियन बैंक की जो स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है ये तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और चेयरमैन है R. मोहन, कौन है चेयरमैन? R. मोहन। और RBI के बारे में याद रखना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है और RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, क्या नाम है? शक्तिकांत दास, ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन दवाइयां दी है? तो भारत ने हाल ही में नेपाल को, सी ऑप्शन सही है, नेपाल को 23 टन दवाइयां दी हैं, जिसमें पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा शामिल है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी ताकि हमारे भारत में इस दवा की कमी ना हो। ये इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये COVID-19 को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। बट हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनके कहने पर इस पे निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया था, उसके बाद अमेरिका को भी ये दवा सप्लाई की गई, उसके बाद नेपाल को 23 टन दवा सप्लाई की गई है। यहाँ पर नेपाल के बारे में बताती हूँ, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रूपी और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर खड्गा प्रसाद ओली। सो ये आपको याद रखना नेपाल के बारे में। और आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में हाल ही में जल संरक्षण योजना की शुरू की, योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, क्या नाम है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ये इसलिए शुरू किया गया है, इसका ये थर्ड फेज शुरू किया गया है इस बार, थर्ड फेज।
इसमें क्या होता है कि पानी को पहले बचा कर रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि मॉनसून जब आए तो उसे यूज किया जा सके प्रॉपर मात्रा में। गुजरात के बारे में स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, क्या नाम है, कैपिटल गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर है, सो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है विजय रूपाणी, क्या नाम है, विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया गुजरात के बारे में, जो कि आपको नोट डाउन करना, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन आज का देख लेते, तो टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया, इन चार ऑप्शन से बताना उनका नाम, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ, थैंक यू।